हेलो एवरीवन, आज ये सेकेंड वीडियो में हम लोग इंश्योरेंस कंपनी फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट सीखने वाले हैं कि पीएनएल अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, वो सब हम लोग सीखने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने ब्रॉडली ये समझा कि इंश्योरेंस कंपनी फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये वीडियो में हम लोग पूरा फॉर्मेट सीखेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग सम्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको बताया था, हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, जनरल इंश्योरेंस है। तो ये फॉर्मेट जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, वो जनरल इंश्योरेंस का फॉर्मेट सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्म बी फॉर जनरल इंश्योरेंस है, एंड आर का मतलब है रेवेन्यू अकाउंट। तो इट्स अ फॉर्मेट फॉर रेवेन्यू अकाउंट फॉर अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। सो हेडिंग आएगा, पहले आप कंपनी का नाम लिखोगे, जो भी नाम दिया है सम में। उसके बाद आप लिखोगे रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर्स। यहाँ पे शेड्यूल नंबर लिखने हैं, ये शेड्यूल फिक्स्ड है। ये हमारे फाइनल अकाउंट्स का नोट्स जैसा नहीं है कि नोट को कोई भी नंबर दे सके। तो ये जो शेड्यूल के नंबर हैं वो सारे के सारे फिक्स्ड है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। एक्चुअली जो फिगर्स है ना, वो रुपीज इन थाउजेंड लिखना होता है। लीगली स्पीकिंग फिगर शुड बी इन रुपीज इन थाउजेंड्स, बट जनरली एग्जामिनर ये इंसिस्ट नहीं करते हैं, तो हम लोग सिर्फ रुपीज लिखेंगे तो भी चलता है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में नॉर्मली प्रीवियस ईयर के फिगर नहीं होते हैं, अगर हुआ तो हम लोग दोनों कॉलम फिलअप करेंगे, ठीक है। तो रेवेन्यू अकाउंट है ना, चार शेड्यूल में डिवाइडेड है, शेड्यूल वन, टू, थ्री एंड फोर। इनकम का सिर्फ एक ही शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर वन इज शेड्यूल ऑफ इनकम। उसके बाद यहां के शेड्यूल्स नहीं है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इसका कोई शेड्यूल नहीं है। अगर एक से ज्यादा फिगर इसमें हुए तो हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, उसका कोई नंबर नहीं होगा, मतलब वन टू थ्री फोर वाला नहीं होगा, एबीसीडी ऐसे कुछ नंबरिंग दे देंगे और फिर उसका टोटल यहां पे लिखेंगे। वैसे ही अदर इनकम कुछ हुआ, अदर इनकम में अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी नहीं आएगा। जनरली इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट, तो अगर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, तो इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में तो डिविडेंड मिलेगा, और अगर हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो उसको हमने रेंट पे दिया है तो रेंट मिलेगा, तो वो इनकम यहां पे आएगा। अगेन उसका कोई शेड्यूल नहीं है, तो एक से ज्यादा फिगर्स अगर हुए तो हम उसका नोट बनाएंगे। सो टोटल ऑफ वन टू थ्री फोर, मैं इसको सम्स करने के टाइम रो नंबर वन टू थ्री फोर ऐसे बोलूंगा, रो वन, रो टू, रो थ्री, रो फोर। सेकेंड पार्ट है रेवेन्यू अकाउंट का एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस के तीन शेड्यूल हैं, शेड्यूल टू क्लेम, शेड्यूल थ्री में कमीशन, और शेड्यूल फोर में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसको डिटेल में हमने पहले वीडियो में देख लिया था कि क्लेम्स में क्या आता है, कमीशन में क्या आता है, बट फिर भी और एक बार ब्रीफली यहां पे देखते हैं शेड्यूल वन का पूरा डिटेल, ठीक है। तो ये रहा शेड्यूल वन, प्रीमियम। तो हम लोग क्या करेंगे, सम्स करने के टाइम पहले मेन फॉर्मेट बना देंगे रेवेन्यू अकाउंट का, मेन फॉर्मेट बना देंगे बैलेंस शीट का, उसमें लास्ट में फिगर्स लिखेंगे, फॉर्मेट रेडी रखेंगे, और फिर ये सारे शेड्यूल्स बनाएंगे। ये सारे शेड्यूल में बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन हम इसमें लिख सकते हैं डेटा, सारा इंफॉर्मेशन होता नहीं है। तो जो डायरेक्ट बिजनेस का प्रीमियम है वो यहां पे लिखेंगे, अगेन वीडियो के हिसाब से क्या एग्जांपल था, डायरेक्ट बिजनेस मतलब जो रिलायंस से हमें प्रीमियम मिला वो। फिर प्रीमियम ऑन रीइंश्योरेंस एक्सेप्टेड, मतलब कौन, जो बजाज से हमें मिला वो, हम खुद ही टाटा हैं। और एआईजी को जो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया वो हम यहां पे लेस करेंगे, और इसका जो नेट करके जो फिगर आया उसको हम बोलेंगे नेट प्रीमियम, ये रहा नेट प्रीमियम। उसके बाद कुछ एडजस्ट करना है, ये अभी ये वीडियो में नहीं बताऊंगा आपको। चेंजेस इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस कंपनी फाइनल अकाउंट्स का।
और इसका क्या लॉजिक है बाद में समझाएंगे, अभी नहीं, अभी सिर्फ फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो ये ऐड या लेस होगा और ये नेट फिगर हमारे मेन शेड्यूल वन का जो टोटल है वो रेवेन्यू अकाउंट के जगह पे जाएगा। ठीक है, ये जो दो डिटेल है उसको हम डिस्क्लोजर बोलते हैं, डिस्क्लोजर। एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए ये वाला फिगर है वो ये वाला फिगर 100 लाख आया, तो हमें 100 लाख प्रीमियम मिला है टोटल, तो वो 100 लाख कितना कहाँ से मिला है, इन इंडिया से एग्जांपल 80 लाख और आउट ऑफ इंडिया से 20, तो ये 100 टोटल हो गया। पर ये हम लोग कब लिख पाएंगे, जब इसका डेटा हमें क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है तो ये बनाने का भी ज़रूरत नहीं है। मतलब फॉर्मेट बना के डैश डैश करना ऐसा कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जितना इन्फो बताया है उसको दिखाओ बस हो गया। ठीक है, तो ये शेड्यूल वन हो गया। शेड्यूल टू भी मोर और लेस सिमिलर है, क्लेम्स पेड, यहां पे ये वर्ड है क्लेम्स पेड, मतलब जितना क्लेम हमने एक्चुअली पे किया है वो डायरेक्ट का, ऐड का, ऐड करेंगे एक्सेप्टेड, लेस करेंगे सीडेड। ये वाला पार्ट प्रीमियम में नहीं था बच्चों, इधर क्या लिखा है, ऐड क्लेम आउटस्टैंडिंग एट द एंड, मतलब से मैं इंश्योरेंस कंपनी है टाटा और 31 मार्च को मैं एक लिस्ट निकालूंगा। एक एग्जांपल लेते समझाने के लिए, से एग्जांपल 28 मार्च को हमारे कॉल सेंटर पे कॉल आया कि हमारा कार का एक्सीडेंट हो गया है, एक्स वाई जेड हमारा पॉलिसी नंबर है, वो 31 मार्च तक अभी तक उसको पैसा रीइंबर्स नहीं हुआ है क्योंकि अभी कार रिपेयर भी नहीं हुआ है, पर एक अंदाज़ा मिल गया है हमें, वो गैरेज वाले ने अंदाज़ा दिया है कि ये कार को रिपेयर करने के लिए फिगर एग्जांपल 1 लाख का खर्चा है, तो वो 1 लाख हमारे लिए होगा क्लेम आउटस्टैंडिंग एट द एंड, पैसा तो देना पड़ेगा ना भाई, पर इस साल इंटीमेशन आ गया है हमें कि एक्सीडेंट हो गया है, सो इट इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ दिस ईयर बट वी हैवंट येट पेड मनी बिकॉज अभी रिपेयरिंग वगैरह हुआ नहीं है, तो पैसा पेमेंट नेक्स्ट ईयर होगा, समझ रहे हैं। तो ये जो भी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर होगा वो हम ऐड करेंगे, और ये क्लेम्स पेड में हो सकता है पिछले साल का कुछ क्लेम इस साल पे किया हो तो वो यहां पे लेस कर देंगे, क्लेम्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। तो ये ऐड लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो होगा क्लेम्स ऑफ दिस ईयर, समझा, या एग्जांपल देके बताऊं, समझ गया। अभी कुछ एक्सपेंसेस होंगे विच इज रिलेटेड टू सेटलमेंट ऑफ क्लेम। एग्जांपल, मैंने किसी का क्लेम आया 1 लाख का, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला नहीं 1 लाख पास नहीं होगा, हम तो सिर्फ 60,000 पे करेंगे। अब उसने केस कर दिया हम पे, 60,000 क्यों भाई, 1 लाख पूरा चाहिए, तो हमने किसी लॉयर को रखा टू सेटल द क्लेम। या फिर दूसरा एग्जांपल, जब क्लेम आता है तो हम हमारा से कार का एक्सीडेंट हुआ है तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर होता है उसको भेजते हैं सर्वे करने के लिए कि आप सर्वे करके आओ, सर्वे करने जब आएगा तो पूछेगा आपको गाड़ी कौन चला रहा था, दारू पिया था क्या चलाते हुए, अगर हाँ बोल दिया तो क्लेम पास ही नहीं होगा। तो वो जो सर्वेयर होगा उसको भी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो एनी एक्सपेंडिचर विच इज रिलेटेड टू सेटलमेंट ऑफ क्लेम दैट हैज टू बी एडेड। एक और जल्दी से एग्जांपल देता हूँ, हमने लॉयर रखा है, वो लॉयर पॉलिसी के कंडीशन भी ड्राफ्ट करता है और वो लॉयर कोई केस भी फाइट करने जाता है, तो लॉयर को 2 फीस दिया है हमने, तो जो क्लेम के रिलेटेड फीस है वही यहां पे आएगा, वो पॉलिसी के कंडीशन बनाने के लिए जो फीस दिया है वो शेड्यूल 4 में जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, समझ गया। फिर शेड्यूल 3 है कमीशन का, शेड्यूल 2 में भी ये इंफॉर्मेशन है जो नॉर्मली सम्स में नहीं होता है, अगर हुआ तो डिस्क्लोज करने का, इन इंडिया आउटसाइड इंडिया। ठीक है, कमीशन का शेड्यूल सेम है, डायरेक्ट
प्लस एक्सेप्टेड और लेस सीडेड इज योर नेट कमीशन. शेड्यूल फोर्थ है ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ये मोर और लेस सिमिलर है बैंकिंग के जैसा. एक्चुअली स्पीकिंग इसका फिक्स्ड ऑर्डर होता है कि ये कौन से पॉइंट में जाएगा. टोटल 13 पॉइंट है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये ऑर्डर जरूरत नहीं है. सिर्फ शेड्यूल फोर में लिखा उतना काफी है. मतलब टोटल हमारा सेम होना चाहिए बस. फर्स्ट पॉइंट पे रेम्यूनरेशन, सेकेंड पे ट्रैवल, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. ठीक है ना. तो देख लेते हैं क्या क्या जाता है. एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, रेंट रेट्स एंड रिपेयर्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कम्युनिकेशन मतलब टेलीफोन वगैरह, लीगल एक्सपेंसेस अभी बताया आपको, मेडिकल फीस, फिर ऑडिटर का एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट किया, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, अदर्स एंड डेप्रिसिएशन. ठीक है. ये सेम टू सेम चैप्टर ना सीए में भी आता है. और सीए में रिक्वायरमेंट होता है कि ऑर्डर के वाइज ही लिखना है. तो सीए के लिए मैंने ऐसा एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है ताकि याद रहे. ऐसे ही एक कीवर्ड बनाया, रजनीकांत टोल्ड रावण रावण प्लीज कॉल लता मंगेशकर एटलीस्ट आफ्टर इंटरवल ऑफ डॉन टू. ये सब के ये जो बोल्ड किए हैं ना वो फर्स्ट लेटर्स हैं. रजनीकांत टोल्ड रावण रावण प्लीज कॉल लता मंगेशकर एटलीस्ट आफ्टर इंटरवल ऑफ डॉन टू. तो ये वो लोग ऑर्डर वाइज याद रख सकते हैं. अपने एग्जाम्स के लिए जरूरी नहीं है, बैफ में जरूरत नहीं है. आइए अभी तो ये हो गया. वापस आते हैं मेन फॉर्मेट पे. ये आ गया हमारा मेन फॉर्मेट BRA रेवेन्यू अकाउंट. तो बहुत ही छोटा सा फॉर्मेट है. इनकम का एक शेड्यूल है और एक्सपेंसेस के तीन शेड्यूल हैं. ए का टोटल माइनस बी का टोटल इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस. अच्छा, लास्ट सेमेस्टर में आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स था तो वैसे ही यहां पे अगर सम में दिया है तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन कॉलमिनर फॉर्म में बनाना पड़ेगा. मतलब एग्जाम्पल, तो ये पहला कॉलम होगा फायर का, दूसरा कॉलम होगा मरीन का, और तीसरा कॉलम उसके बाजू में होगा मिसिलिनियस का. हाँ, कॉलम. सो तीनों के शेड्यूल्स भी अलग अलग बनेंगे और उनका टोटल मतलब रेवेन्यू अकाउंट का इंफॉर्मेशन हर एक लाइन ऑफ बिजनेस का अलग अलग होना चाहिए. मुझे पता होना चाहिए कि फायर में कितना इंश्योरेंस मिला है, फायर का कितना क्लेम है. वैसे ही मरीन का सेपरेटली डिपार्टमेंटल अकाउंट के जैसा ही हर एक डिपार्टमेंट का अलग से इनकम और एक्सपेंस मुझे मिलना चाहिए. ठीक है. इसका टोटल यहां पे जाएगा PNL में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस. अब PNL BPL है. बी फॉर जनरल, PL इज फॉर PNL. इसमें एक्चुअली कोई स्केड्यूल्स नहीं है, कोई भी शेड्यूल नहीं है. सिर्फ ये फॉर्मेट है कि इसको कैसे दिखाएंगे. तो ये आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तीनों का, फायर का, मरीन का और मिसिलिनियस का. अब यहां पे भी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है रे. रेवेन्यू अकाउंट में भी था पॉइंट नंबर 4 में. ये देखो इधर इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट. और इधर भी था, इधर भी है इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट. तो सर सम में आया तो हमें कहां लिखने का, उसको रेवेन्यू में लिखने का या PNL में लिखने का. एक ही फिगर दोनों जगह पे कैसे लिखेंगे. तो मैं समझाता हूं. अगर सम में स्पेसिफिकली बोला है कि ये इंटरेस्ट मरीन का है, ये इंटरेस्ट फायर का है. से एग्जांपल, सम अगर सिर्फ फायर इंश्योरेंस का है, बोला है कि ये कंपनी सिर्फ फायर इंश्योरेंस में बिजनेस करती है, तो डेफिनेटली रेवेन्यू अकाउंट में आएगा. बट अगर कोई कंपनी, और नॉर्मली सब कंपनी सब बिजनेस करती है, तो तीनों का बिजनेस है, फायर भी है, मरीन भी है, मिसिलिनियस भी है, और सिर्फ हमें इंटरेस्ट बोला गया है, तो कहां पे लिखेंगे. तो फिर क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है, PNL में लिखना पड़ेगा. आइडियली वो जाना, हमें इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि इतना इंटरेस्ट मरीन का है, इतना फायर का है. पर अगर कुछ नहीं बोला है तो हम लोग उसको PNL में लिखेंगे डायरेक्टली. ऐसा 1/3 करके तीनों में नहीं डिवाइड कर देना,
ठीक है ना, इधर लिखेंगे पीएनएल में, तो इन्फो दिया है तो रेवेन्यू में, वरना पीएनएल में. क्लियर है आप लोग? नेक्स्ट, अदर इनकम टू बी स्पेसिफाइड. अगेन इधर कुछ आता नहीं है नॉर्मली. प्रोविजंस अदर देन टैक्स नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और अदर एक्सपेंसेस अगेन नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मेजॉरिटी सारे के सारे एक्सपेंसेस पहले ही ऊपर कवर हो जाएंगे. किधर? रेवेन्यू अकाउंट में सब कवर हो जाएगा. तो ये ए और ये बी का टोटल माइनस करके मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अप्रोप्रिएशन जैसा बैंक में था, इंटरिम डिविडेंड पे किया, फाइनल डिविडेंड पे किया, कुछ रिजर्व्स में ट्रांसफर किया, वो सब माइनस करेंगे, लास्ट ईयर का प्रॉफिट ऐड करेंगे और ये बैलेंस ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में. फॉर्मेट बैंकिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है. एक बार रिकैप करते हैं. ये आएगा इस साल का प्रॉफिट, से एग्जांपल 20 लाख रुपया इस साल का प्रॉफिट, इसमें से मैंने 5 लाख रुपया डिविडेंड दिया, 7 लाख रुपया मैंने रिजर्व्स में ट्रांसफर किया, तो टोटल अप्रोप्रिएशन कितना हो गया? 12 लाख. मेरा लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 3 लाख रुपया, लास्ट ईयर का प्रॉफिट था मेरा 3 लाख, तो इसका मतलब है कितना बैलेंस शीट में जाएगा भाई? तो 20 माइनस 12 प्लस 3 11 विल गो टू बैलेंस शीट. समझाया बाउंसर क्या? तो आइए चलते हैं. अगेन एक बार, पीएनएल में कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मेट है. रेवेन्यू से प्रॉफिट यहां पे आएगा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऐड होगा. अगर कुछ एक्सपेंसेस हैं जो रेवेन्यू अकाउंट में नहीं डल सकते हैं, कॉमन एक्सपेंसेस हैं, तो वो इधर आएगा. जैसे डिपार्टमेंटल अकाउंट में होता था ना, जनरल पीएनएल बनाते थे, कॉमन एक्सपेंसेस वहां डालते थे, याद है आपको? वैसे यहां पे होगा और फिर प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन. आइए बैलेंस शीट का शेड्यूल देखते हैं. बीबीएस, बी स्टैंड्स फॉर जनरल इंश्योरेंस एंड बीएस स्टैंड्स फॉर बैलेंस शीट. ठीक है, सब लोग जाग रहे हैं. पहला है सोर्सेज ऑफ फंड्स. तो सोर्सेज ऑफ फंड्स में शेयर कैपिटल शेड्यूल नंबर 5, रिजर्व्स एंड सरप्लस शेड्यूल नंबर 6, बोरोइंग्स शेड्यूल नंबर 7. ये कुछ लिखा है पर आप इग्नोर करना, ये हमारे सिलेबस में नहीं आता है. फॉर्मेट में है बट अपने सिलेबस में नहीं आता है. फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है कुछ. शेयर कैपिटल शेड्यूल 5, शेड्यूल इज सेम एज बैंकिंग, रिजर्व्स एंड सरप्लस और बोरोइंग्स 5, 6, 7. इन्वेस्टमेंट्स शेड्यूल नंबर 8, लोन गिवन 9, फिक्स्ड एसेट्स 10. अच्छा, इधर बहुत बड़ा चेंज है एज कंपेयर टू बैंकिंग. बैंकिंग में ये दोनों शेड्यूल ना लायबिलिटी साइड पे ही थे, है ना? अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन करके साथ में था बैंकिंग में. यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ये शेड्यूल्स को एसेट्स में से लेस किया है वर्किंग कैपिटल ढूंढने के लिए. तो कैसा है मैं समझाता हूं. इन्वेस्टमेंट का फिगर यहां पे आएगा, लोन गिवन यहां पे आएगा, फिक्स्ड एसेट्स यहां पे आएगा, फिर कैश एंड बैंक एंड एडवांसेस, ये 11 और 12, इसका सब टोटल यहां पे आएगा, सब टोटल ऑफ ओनली 11 एंड 12. करंट एसेट बोल सकते हैं उसको. वैसे ही 13 और 14 का टोटल यहां पे आएगा, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस. इधर आएगा नेट करंट एसेट, विच इज ये ए माइनस बी. समझ रहा है या बाउंसर जा रहा है? समझ रहा है. मिसिलिनियस एक्सपेंडिचर बाद में समझाता हूं, अभी अगर कुछ हुआ तो वो लिखेंगे. और ये आएगा टोटल क्या लिखा है, देखो 8
प्लस नाइन प्लस टेन मतलब ये तीन, प्लस सी मतलब वर्किंग कैपिटल, ये समझा क्या वर्किंग कैपिटल, और प्लस मिसिलिनियस 15, मतलब ये दोनों नॉर्मली लायबिलिटी साइड पे होते हैं पर ये फॉर्मेट में उसको एसेट्स में से लेस किया गया है। क्यों भाई? क्योंकि हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, ये वर्किंग कैपिटल होता है ना, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो एक फ्रेश पेज पे ना रिकैप करते हैं कि क्या कौन सा शेड्यूल कौन सा है। तो शेड्यूल नंबर वन क्या है बोलिए? प्रीमियम का है। शेड्यूल नंबर टू क्लेम। शेड्यूल नंबर थ्री कमीशन। मैं नहीं बोलूंगा, आप ही बोलेंगे, मैं इधर लिख रहा हूं। फोर्थ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये आपके रेवेन्यू अकाउंट के शेड्यूल्स हैं। रेवेन्यू अकाउंट में इनकम का एक शेड्यूल है और एक्सपेंसेस के तीन शेड्यूल्स हैं। लॉक किया जाए। फिर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के शेड्यूल स्टार्ट होते हैं पांच से। पांच से कहां तक है? पांच से पंद्रह तक है, 5 to 15। उसमें मैं इसको ऐसे लिखता हूं, तो लायबिलिटी के शेड्यूल्स हैं तीन, पांच छ सात। पांच छ और सात, पांच क्या है भाई? शेयर कैपिटल है। छठवां रिजर्व्स एंड सरप्लस है और सातवां बोरोइंग्स। लायबिलिटी में तीन ही शेड्यूल है। करंट लायबिलिटी जो हम लोग लायबिलिटी में लिखते हैं वो लायबिलिटी में नहीं है, वो एसेट से माइनस किया गया है एसेट साइड पे। तो एसेट साइड पे पहले फिक्स्ड एसेट्स शेड्यूल नंबर आठ नौ और दस फिक्स्ड एसेट्स। नाइन्थ है लोन्स गिवन। ये जैसे बैंक लोन देती है ना वैसे इंश्योरेंस कंपनी भी लोन देती है, और LIC इज अ बिगेस्ट लेंडर। स्टेट बैंक से भी ज्यादा लोन देती है LIC, और लॉन्ग टर्म के लिए देती है, द वन ऑफ द बिगेस्ट कैश रिच कंपनी, ठीक है, इंडिया में। हाँ, तो लोन्स। टेंथ है, ये मैं गलत बोल दिया रे, एट है इन्वेस्टमेंट। आप लोग भी ना मेरे को याद नहीं दिलाते हो। एट है इन्वेस्टमेंट, नाइन्थ है लोन्स, और टेंथ है फिक्स्ड एसेट। तो जैसे बैंक में था वैसे इंश्योरेंस कंपनी को भी अपना कुछ प्रीमियम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स में रखना पड़ता है। मान लो अगर क्लाइंट को लॉस हो गया और इंश्योरेंस कंपनी बोलती है मेरे पास पैसा ही नहीं है, सारा पैसा अटक गया, नुकसान हो गया, तो कैसे चलेगा? सो सम अमाउंट ऑफ प्रीमियम दैट दे हैव कलेक्टेड हैज टू बी कंपल्सरीली केप्ट इन इन्वेस्टमेंट। तो शेड्यूल एट आएगा पहले इन्वेस्टमेंट, फिर शेड्यूल नाइन आएगा लोन्स गिवन, और फिर शेड्यूल टेन आएगा फिक्स्ड एसेट्स। इंश्योरेंस कंपनी के लिए फिक्स्ड एसेट क्या होगा? जो प्रिमाइसेस होंगे वही ना, ब्रांच, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, कुछ व्हीकल्स होंगे डायरेक्टर्स वगैरह के लिए, है ना, ऑफिस इक्विपमेंट। उसके अलावा प्लांट मशीनरी तो हो नहीं सकता है, सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्चुअली वर्किंग कैपिटल है, और वर्किंग कैपिटल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, करंट एसेट करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट का शेड्यूल है 11 और 12। 11 में क्या है? कैश एंड बैंक बैलेंस, एंड 12 में अदर एसेट्स। इसमें क्या क्या आएगा मैं अभी समझाता हूं। 12 में अदर एसेट्स, फिर 13th में करंट लायबिलिटी है, 14th में प्रोविजंस है, और एसेट्स में एक और है लास्ट वाला शेड्यूल, विच इज शेड्यूल नंबर 15, विच इज मिसिलिनियस एक्सपेंडिचर।
शेड्यूल नंबर 15 विच इज मिसिलेनियस एक्सपेंस, मतलब वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स, वो सब इधर आता है, जो लॉस है, फिक्टिशियस एसेट हैं सारे के सारे। समझा या बाउंसर गया? तो क्विकली रन थ्रू करते हैं ये शेड्यूल का फॉर्मेट, ज़्यादा डिटेल में नहीं आएंगे, और इसका पीडीएफ मैं ये कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो यू कैन हैव अ लुक एट द एंटायर पीडीएफ टू सी द होल फॉर्मेट। वो नीचे के नोट्स कुछ काम के नहीं है बेटा। शेड्यूल नंबर 5 शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप। शेड्यूल नंबर 6 रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेड्यूल नंबर 7 बोरोइंग्स, कहां कहां से पैसे लिए हैं। शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहां पे किया है, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, गवर्नमेंट में है या नॉन गवर्नमेंट में। लोन, हमने किसको लोन दिया है। शेड्यूल नंबर 10 का कोई फॉर्मेट ही नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स। शेड्यूल नंबर 11 कैश एंड बैंक। शेड्यूल नंबर 12 एडवांसेस एंड अदर एसेट्स। ये हमारे काम का है, इसमें दो तीन चीज़ें होंगी जो आपको बताने जैसी है। जैसे अगर एडवांस टैक्स पे किया है तो वो यहाँ पे आएगा एसेट में, फिर यहाँ पे होगा प्रीमियम रिसीवेबल, देखो इधर होगा नीचे, हाँ अदर एसेट्स में है आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, मतलब हमें अगर प्रीमियम लेना बाकी है, हमने क्लेम तो मतलब रिस्क उनका टेक ओवर किया है पर उन्होंने अभी तक प्रीमियम नहीं दिया है, तो वो प्रीमियम रिसीवेबल यहाँ पे आएगा, ये आएगा हमेशा। एजेंट से अगर कुछ पैसे लेने हैं, हो सकता है नॉर्मली तो एजेंट को देना होता है पैसा, बट अगर उसने कुछ पॉलिसी उसका कैंसिल हुआ है, हमने कमीशन ज़्यादा दे दिया है वगैरह वगैरह, तो अगर कुछ डेबिट बैलेंस है तो आएगा। ठीक है, ये दो ही हमारे काम के हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शेड्यूल 13 करंट लायबिलिटीज, ये आ गया एजेंट्स का बैलेंस अगर क्रेडिट होगा तो, क्लेम अगर हमें पे करना है तो, क्लेम आउटस्टैंडिंग, प्रीमियम लेना बाकी है तो वो 12 में आ गया था, प्रीमियम एडवांस में मिल गया है तो वो लायबिलिटी है हमारा, तो वो यहां पे आएगा। ठीक है, शेड्यूल 14 में प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड वगैरह आएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा आपको, इसमें कम से कम हमें 10-15 मिनट का ज़रूरत पड़ेगा सीखने के लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, मिसिलेनियस एज आई सेड इट इज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट था बैलेंस शीट और रेवेन्यू अकाउंट का। किसी को अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स डाल सकते हैं, विल बी हैप्पी टू रिप्लाई देम। आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा। इसके बाद के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क देखने वाले हैं। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो।